नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट एन इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर हु वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट, अ टीचर, अ लॉयर एंड एन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट. ही वॉज द इंडियन टीचर ऑफ वीर सावरकर, द हिंदू लीडर जिसने प्रमोट करी थी द हिंदुत्व की आइडियोलॉजी. जी हाँ, ही वॉज द पर्सन हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बाल गंगाधर तिलक, फॉन्डली नेम्ड एज लोकमान्य तिलक because he was liked by his people. Bal Gangadhar Tilak was born in a Marathi Chitpavan Brahmin family. Ji haan, he was a Brahmin. Remember, Brahmins ko hum sunte hain ye shabd jab Barkha Dutt jaise aaj ke tareek mein fake feminist aur fake journalist stop Brahminical patriarchy ka board uthate hain unko badnaam karne ke liye. To ji haan, Bal Gangadhar Tilak was born in a Marathi Chitpavan Brahmin family. He was one of the strongest advocates of Swaraj. Swarajya is my birthright and I shall have it, wo hardam kehte the. He had close alliances with other Indian National Congress leaders like Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai, Aurobindo Ghosh and Muhammad Ali Jinnah. Ji haan, Muhammad Ali Jinnah jo पाकिस्तान के लीडर बने, जिनकी वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर थे, जस्ट लाइक नेहरू जी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर थे और हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन. महात्मा गांधी जी ने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान दिया और दूसरे इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू करके अपने आप को प्रमोट करते थे, उनको भारत दिया. एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट बाल गंगाधर तिलक्स फादर. उनका नाम था गंगाधर तिलक. वो एक संस्कृत स्कॉलर थे. इनफैक्ट बाल गंगाधर तिलक वॉज द ओनली एंड द फर्स्ट कांग्रेस लीडर जो सजेस्ट करते थे दैट हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट बी एक्सेप्टेड एज द सोल नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. जी हाँ, कांग्रेस पार्टी में भी लीडर्स थे जो हिंदी, संस्कृत और मातृभाषा को प्रमोट करने की कोशिश करते थे, बट ऑब्वियसली राइट नाउ वी हैव अ कांग्रेस पार्टी विच इज़ वेरी डाइल्यूटेड, विच गोज़ टू इस्लामिक दुबई एंड सेज दैट एंशियंट इंडियन फिलोसफी इज़ इस्लाम. तो दिस इज़ कॉल्ड टाइम टाइम का बात एंड समय समय में क्या क्या हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, बाल गंगाधर तिलक obtained his Bachelor of Arts in first class in mathematics. He joined the LLB course and obtained his LLB degree from the Government of Law College. ये सब पढ़े लिखे लोग थे जिनको obviously अपना respect और अपना due नहीं मिला post independence. They were not like the unpaid local youth of Pulwama, जिनके साथ sympathy India की media रखती है. They were obviously well-read, intelligent Indian leaders who obviously promoted fight against British India, but they were not given their due post independence. Wo kehte the ki religion and practical life are not different. The real spirit is to make the country your family instead of working only for your own. The step beyond is to serve humanity and the next step is to serve God. Iske ilawa, Bal Gangadhar Tilak ka political career was comprising of Indian autonomy from the British rule. Indian leader Mahatma Gandhi, yani Mohandas Gandhi ke pehle, he was considered the father of Indian unrest. He was a radical nationalist but also a social conservative. He was imprisoned a number of times and stayed in Mandalay in Burma for a long time. Mandalay ke jail mein, Mandalay is in Burma. सो ऑब्वियसली जब मैं आपको कहती हूँ कि बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टिबेट, ये सब हिंदुस्तान का पार्ट था, मैं ऑब्वियसली आपके साथ सही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ. एक टाइम था जब बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाला गया इन बर्मा, व्हेन बर्मा वाज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान. सो हिंदुस्तान को डिवाइड किया गया अफगानिस्तान के अंदर, बर्मा के अंदर, और 1947 में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने जन्म दिया पाकिस्तान का, और 1971 में बांग्लादेश को जन्म मिला बिकॉज वो पहले कहा जाता था एज ईस्ट पाकिस्तान.
इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी इन 1890. ही अपोज द मॉडरेट एटीट्यूड स्पेशली टूवर्ड्स द फाइट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट. ही वॉज अ रेडिकल नेशनलिस्ट. ही बिलोंग टू द गरम दल ऑफ सोच. He was, it was the Swadeshi movement from 1905 to 1907 that resulted in the split within the Indian National Congress into moderates and extremists. Partition of Bengal hua, jiski wajah se hum samajh sakte hain ki Britishers hardam India ki nationalist movement ko break karna chahte the by partitioning it. First they started with partition of Bengal, uske piche the Lord Curzon. जिन्होंने ऑब्वियसली उस टाइम पे ये पार्टीशन के टाइम पे बाल गंगाधर तिलक ने इनकरेज करने की कोशिश करी द स्वदेशी मूवमेंट एंड द बॉयकॉट मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट एंड द बॉयकॉट मूवमेंट इसलिए था कि हम लोग इंडियंस उस टाइम पे ब्रिटिश कपड़े ब्रिटिश गुड्स पहनना छोड़ दें एंड खुद के कपड़े और खुद के गुड्स को प्रमोट करें, जिससे मेड इन इंडिया स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी थाट प्रमोट हो. बिकॉज ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स हमको तोड़ के रूल करना चाहते थे. दे ऑलवेज यूज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी यूज़ करती हुई आ रही है विद इट्स रूल ओवर इंडिया सिंस 70 years. क्योंकि उन्होंने वो 1/3 इंडियन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन को प्लीज करने के चक्कर में ऑब्वियसली कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड किया. एंड राइट नाउ वी सी वॉट काइंड ऑफ मेहम हैपन्स इन केरला जब सबरीमाला टेम्पल का इशू होता है. इसके अलावा तिलक अपोज द मॉडरेट व्यूज ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले बट वॉज सपोर्टेड बाई फेलो इंडियन नेशनलिस्ट लाइक बिपिन चंद्र पाल इन बंगाल एंड लाला लाजपत राय इन पंजाब. एंड दे वर रिफर्ड एज लाल बाल पाल त्रिमुम विराते. दे वर अ तीन की जोड़ी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. ये इन तीनों की जोड़ी होती थी. जस्ट शेयरिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विद यू. उनके ऊपर बहुत सारे सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे उस टाइम पे. सेडिशन वाज बिकॉज अगेंस्ट दीज लीडर्स बिकॉज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. बट ये सेम चार्जेस जो ऑब्वियसली कांग्रेस सरकार ने इतने सालों से नहीं निकाले गए इज अप्लाइड ऑन पीपल लाइक कन्हैया कुमार एंड उमेर खालिद एंड दैट स्लेहा रशीद, जो ऑब्वियसली आज़ादी चाहते हैं और भारत के फिर से टुकड़े करना चाहते हैं. ये लोग थे जो ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालना चाहते थे और ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर सेडेशन चार्जेस डाले थे. मगर आज के टाइम पे हमको सेडेशन चार्जेस हमारे खुद के भारतीयों पे डालने पड़ते हैं जो सत्ता के पावर में इंडिया को फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं. क्योंकि इंडिया इज़ द ओनली बिगेस्ट लेफ्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. इंडिया एक टाइम पे बर्मा भी था, इंडिया एक टाइम पे अफगानिस्तान भी था, इंडिया एक टाइम पे पाकिस्तान भी था, इंडिया एक टाइम पे तिब्बत भी था. बट ऑब्वियसली उसको डिवाइड किया गया, हिंदुस्तान को डिवाइड किया गया और अब कोशिश की जा रही है बाय दीज इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट टू डिवाइड इंडिया फर्दर. जिसको ऑब्वियसली आज के टाइम पे आज की सरकार गिरफ्तार करती है ऐसे लोगों को इन सेडेशन चार्जेस, विच इज़ राइटफुली करेक्ट बिकॉज यू कैन नॉट डिवाइड भारत फर्दर. तिलक को 6 years के लिए प्रिजन में भेजा गया था इन बर्मा. उस टाइम पे उनके लॉयर थे मोहम्मद अली जिन्ना. जी हाँ, द सेम मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान का डिमांड किया था फॉर हिज मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. वो सेम मोहम्मद अली जिन्ना जो भारत में बाकी धर्म के लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे वॉज द लॉयर ऑफ बाल गंगाधर तिलक एट वन टाइम. 6 years of rigorous imprisonment उनको दी गई थी at Mandalay, Burma. और वहाँ पर उस time पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि वो verdict of jury की respect करते हैं but वो अपने आप को innocent समझते हैं. क्योंकि he believes that obviously his cause is correct, he needs to remove Britishers from India. उन्होंने ऑब्वियसली ड्यूरिंग दैट स्टे इन द प्रिजन उनको प्रॉब्लम्स हुई, हेल्थ प्रॉब्लम्स. ही डिवेलप्ड डायबिटीज एंड ही वॉज रिलीज्ड उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गई थी. उस टाइम पे उन्होंने किंग एम्परर जॉर्ज फाइव को सपोर्ट करने का घोषित किया था एंड आस्क्ड हिज पीपल टू सपोर्ट एम्परर जॉर्ज फाइव.
उस टाइम पे इंडियन काउंसिल्स एक्ट विच वॉज ऑल्सो नोन एज द मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स रिलीज किया गया था विच वॉज यूज टू डिवेलप कॉन्फिडेंस बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड. He was eager for reconciliation with Congress and had abandoned his demand for direct action and settled for agitation strictly by constitutional means, a line which was advocated earlier by his rival Gokhale. Wo obviously Mohandas Gandhi ko convince kar rahe the to give up the idea of total non-violence, kyunki total non-violence se azadi nahi mil sakti thi aur hame aaj pata hai ki total non-violence se azadi hame nahi mili hai. Lot of freedom fighters have lost their blood in this fight of freedom for India from Britishers. He founded the All India Home Rule League on 23rd September 1916 with G.S. Kharpade and Annie Besant. ये रूल था, ये रूल को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ट्रैवल किया फ्रॉम विलेज टू विलेज टू सपोर्ट फार्मर्स एंड लोकल्स टू जॉइन द मूवमेंट्स टूवर्ड्स सेल्फ रूल. ही वॉज ऑब्वियसली इम्प्रेस्ड बाय रशियन रेवोल्यूशन. ही was asked when the partition of Bengal happened that what he wanted, and he said that he wanted a genuine federal system for free India where every religion and every race has equal partner. He wanted that this government should be able to safeguard India's freedom, and he was the first Congress leader to suggest that Hindi written in Devanagari script should be accepted as the sole national language of India. But obviously South India mein divide has been created by the communist parties which have been funded from China, who are against Hindi, and we are seeing what is happening with Sabarimala, a Hindu temple in South. इसके अलावा तिलक ऑब्वियसली यूनाइटेड द इंडियन पॉपुलेशन टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड ही प्रमोटेड द प्रो हिंदू एक्टिविज्म. ही यूज्ड द ओरिजिनल प्रिंसिपल्स ऑफ रामायण एंड भगवद गीता एंड ही कॉल्ड दिस एक्टिविज्म कर्म योगा एज द योगा ऑफ एक्शन. ही ऑलवेज स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता जो लॉर्ड कृष्ण ने दिया था टू अर्जुन इन द कुरुक्षेत्र बैटल फील्ड टू टेल हिम टू फाइट अगेंस्ट हिज लव्ड वंस टीचर्स एंड रिलेटिव्स विच आर अ पार्ट ऑफ द एनिमीज आर्मी. यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युधानम अधर्मस्य तथात्मानम सृजाम्यम. दिस इज वॉट ही ट्राइड टू कन्वे टू हिज पीपल द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता. And Bhagavad Gita provided a strong justification for activism. Iske ilawa, Bal Gangadhar Tilak and Swami Vivekanand were very close. In fact, kaha jata tha ki Bal Gangadhar Tilak would work towards nationalism in political arena and Vivekanand would work towards nationalism in religious arena. Jab विवेकानंद जी ने समाधि ली तो इट वॉज वेरी मच सोरोफुल फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड ही सेड दैट नो हिंदू हु हैज इंटरेस्ट इन हिंदुइज्म कुड फील ग्रीव्ड आउट ऑफ विवेकानंद समाधि. एंड ही सेड दैट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो सेंट शंकराचार्य ने वर्ल्ड को दिखाया द ग्लोरी एंड द ग्रेटनेस ऑफ हिंदुइज्म. द सेकेंड शंकराचार्य वॉज स्वामी विवेकानंद जिन्होंने वर्ल्ड को दिखाया द ग्लोरी ऑफ हिंदुइज्म, और उनका काम कंप्लीट करना हर हिंदू का धर्म होना चाहिए. इसके अलावा वो ऑब्वियसली लिखते थे, उन्होंने टू वीकलीज चालू करे थे, द केसरी इन मराठी एंड महारथा इन इंग्लिश. इनका इन्होंने ऑब्वियसली गणेश उत्सव प्रमोट करा था, द सार्वजनिक गणेश उत्सव. ही ऑल्सो प्रमोटेड द सेलिब्रेशन ऑफ शिव जयंती, दैट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर. और उन्होंने फंडिंग करी थी फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ समाधि ऑफ शिवाजी इन रायगढ़ फोर्ट. Events like Ganpati festival and Shiv Jayanti was used by Tilak to build national spirit beyond the circle of educated elite in the opposition of colonial rule, that is the British rule. Aur unhone jo swadeshi movement start kari thi, it became a part of independence movement till independence was achieved in 1947. So swadeshi movement ko start kiya tha Bal Gangadhar Tilak ne, not मोहनदास करमचंद गांधी ने.
And obviously, unki yaad mein, we have Tilak Smarak Ranga Mandir in Pune. And Government of India ne koi coin release kiya tha on his 150th birth anniversary. But do we actually know Bal Gangadhar Tilak as we know Mahatma Gandhi? Because Bal Gangadhar Tilak was called as the father of unrest India before we started remembering and recognizing Mahatma Gandhi as the father of our country. So we need to understand that 1947 ke pehle kaun tha Hindustan ka father? Hindustan ka father aapne Mahatma Gandhi yani Mohandas Karamchand Gandhi ko banaya, but wo aapne banaya 1947 se. 1947 ke pehle kya tha Bharat ka itihas? Uske pehle kya tha Bharat ki glory? That is what we all Indians, citizens and Bharatiya citizens need to understand, because India was not made in 1947. Pakistan was made in 1947. Bangladesh, which was East Pakistan, was made in 97. But Bharat to itna vishal tha, itna purana tha, Hinduism itna purana tha, Sanskrit language itni purani thi ki jab Afghanistan, Burma, Tibet, Pakistan, Bangladesh, sab Hindustan ka part tha. So all this we need to understand, because aaj ke time pe hamare aaj ke Indian politicians hamare saath ye information share nahi karte. And before signing off, Bal Gangadhar Tilak kehte the ki wo regard karte hain India ko as his motherland and a goddess, and people in India are my kith and kin, and loyal and steadfast work for their political and social emancipation is his highest religion and duty. So these were the leaders of India. My salute to Bal Gangadhar Tilak, also known as Lokmanya Tilak, and let's all remember him with lot of gratitude and appreciation. Namaskar.